आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की, देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी, देश के किन किन राज्यों में वर्षपात की संभावना। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। देश में बच्चों को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन, इन वैक्सीनों पर किया गया है ट्रायल। भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान सितंबर से शुरू हो सकता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि पूरी निगरानी के साथ इन इलाकों में संक्रमण की दर कम है, वहां स्कूल खोले जा सकते हैं। वही डॉक्टर गुलेरिया ने शनिवार को कहा है कि बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का परीक्षण वर्तमान में चल रहा है, परिणाम सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है। वही एम्स प्रमुख ने कहा है कि हमें बच्चों के लिए अपनी यहाँ पर अपनी वैक्सीन की जरूरत है, इसलिए भारत बायोटेक और जाइडस कैंडिला की वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही फाइजर की वैक्सीन भी मददगार साबित हो सकती है, लेकिन हमारे पास बहुत अधिक संख्या होने के कारण हमारी अपनी वैक्सीन होना जरूरी है। इस दिशा में हमें उम्मीद है कि सितंबर तक बच्चों के लिए एक से अधिक वैक्सीन हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध, हमारे देश में उपलब्ध हो सकी। वही जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को ही 12 से 17 साल तक के बच्चों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन है उसकी वैक्सीन यहाँ पर वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी यहाँ पर दी है। वही जाइडस कैंडिला वैक्सीन का ट्रायल भी लगभग पूरा हो चुका है, जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के पहले पखवाड़े तक 12 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका देना यहाँ पर शुरू हो सकता है। वही टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के डॉक्टर प्रमुख एन के अरोड़ा ने इसी महीने कहा था कि सितंबर महीने में 12 से 18 वर्ष के बच्चों को जाइडस कैंडिला की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो फास्टैग यूजर्स की संख्या भारत में 3.5 करोड़ से हुई है ज्यादा, अब तक 96% लोग कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। भारत में फास्टैग के यूजर्स की संख्या अब 3.54 करोड़ से ज्यादा यहां पर हो गई है, इसके साथ ही अब इसका इस्तेमाल करने वालों का प्रतिशत भी 96% हो गया है। ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित में यहां पर उत्तर में दी है। उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजा की हर गली फास्टैग लेन है। वही भारत सरकार ने फरवरी में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया था, हालांकि ये कड़ी सूचना में मूर्त की रिपोर्ट में 14 जुलाई 2021 तक यहाँ पर 3.54 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए हैं। घोषणा के बाद 14 फरवरी 2021 को फास्टैग की कुल पेट यहाँ पर 80% से लगभग 96% की यहाँ पर हो गई है। वही NETC या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम के साथ काम करता है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी NPCI द्वारा विकसित किया गया है और वाहन को रोकने और आपको भुगतान करने की आवश्यकता के बिना यहाँ पर स्वचालित रूप से एकत्रित करने के लिए यहाँ पर RPID तकनीकी का उपयोग करता है। कैश फास्टैग एक स्टिकर है जो आपकी कार के यहाँ पर विंडशील्ड के अंदर यहाँ पर जुड़ा होता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन इसमें होता है जो बारकोड के माध्यम से सक्षम होता है, आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल से यहाँ पर जुड़ा होता है। वही जानकारी यहाँ पर बारकोड में ही स्टोर हो जाती है। जैसे ही आप भारत में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी टोल प्लाजा पर ड्राइव करते हैं तो वहाँ समर्पित लैंड होगी जिसमें फास्टैग रीडर ओवरहैंड स्थापित होंगे। जैसे ही आपके वाहन नीचे से गुजरता है, आपके वाहन के लिए यहाँ पर RDFID कोड से पता लगाया जाता है, वह संशोधित किया जाता है। आवश्यक टोल राशि होती है वो यहाँ पर प्रीपेड बैलेंस से काट ली जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब बसों में स्टाफ के साथ पैसेंजर भी होंगे फुल वैक्सीनेटेड, रेड बस ने शुरू की है 600 रूट पर वैक्सीनेटेड बस सर्विस। ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस ने वैक्सीनेटेड बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। देश के 600 मुख्य मार्गों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सर्विस में पैसेंजर इस बात के लिए बेफिक्र हो सकेंगे उनके साथ सफर कर रहे मुसाफिर में उनकी तरह वैक्सीनेट है या नहीं। जानकारी इसमें दी गई है, सर्विस के तहत टिकट बुक करने के लिए यात्री को वैक्सीन की पहली डोज लेना यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यात्रा के दिन भी बस में बैठने से पहले यात्री को अपना वैक्सीनेशन प्रूफ के साथ वैक्सीनेशन जो प्रूफ है वो साथ रखना होगा। इस सेवा में ऐसे प्राइवेट बसों की सेवा भी ली जाएगी जिनकी रेटिंग 5 में से 4 से ज़्यादा होगी। वह रेडवेज की ओर से बताया गया है कि पैसेंजर सेवा यात्रा शुरू करने से पहले SMS या ईमेल के जरिए सूचना भी यहाँ पर दी जाएगी। वह पैसेंजर को साथ में ID प्रूफ लाना होगा। इन सारी चीज़ों की जाँच बस का स्टाफ खुद यहाँ पर करेगा। बस का स्टाफ खुद यहाँ पर वैक्सीनेट होगा। वह अगर कोई यात्री झूठी जानकारी देता है तो बस में चढ़ने के दौरान वैक्सीनेशन
फलस्वरूप किसी भी वजह से देने में नाकाम होता है तो उसे यात्रा के लिए यहाँ पर बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। वह 18 साल से कम उम्र के यात्रियों के लिए अनिवार्य यहाँ पर ये अनिवार्य नहीं होगा। वह रेड बस के CEO प्रकाश संगम ने कहा है कि यात्रा के साथ किए गए सर्वे में 89% यात्रियों ने ऐसी बस यात्रा को यहाँ पर 89% यात्रियों ने ऐसी बसों में यात्रा करने की सहमति जताई है, जिसमें बस में मतलब बस के स्टाफ से लेकर साथी पैसेंजर सब कुछ जहाँ पर सब वैक्सीनेटेड हो। वह फिलहाल ससुर रूट पर ये बात यहाँ पर ये बसें शुरू की गई है। अच्छा रिजल्ट आने पर इसका दायरा बढ़ाया भी जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में स्कूल के साथ ही 12वीं के छात्रों के लिए 5 अगस्त से खुल सकेंगे कोचिंग संस्थान। मध्य प्रदेश में 1.25 साल के लंबे इंतजार के बाद 26 जुलाई यानी आज से स्कूल खुल रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग खोलने का निर्देश यहां पर दे दिया है। वह आगामी 5 अगस्त से कोचिंग संस्थान खोलने की यहां पर अनुमति दी गई है। हालांकि कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करना यहाँ पर मतलब वैक्सीनेशन होना अनिवार्य किया गया है। वहीं मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि स्कूल खुलने से पहले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को वैक्सीनेशन उनका हो जाना चाहिए, ये सुनिश्चित यहाँ पर करें। वहीं मुख्य सचिव के निर्देशों के मुताबिक स्कूल कॉलेज और शिक्षकों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा करने के लिए 6 दिन का समय यहाँ पर दिया है। कलेक्टरों को दिए निर्देशों में कहा गया कि 26 से 31 जुलाई के बीच वैक्सीनेशन कराया जाए। वैक्सीनेशन स्कूल या फिर स्कूल कॉलेज परिसर में ही सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच कराया जाए। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पदोन्नति से भरे जाएंगे 10,000 से अधिक पद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वक्त नौकरी से जुड़े बड़े फैसले ले रही है। एक दिन पहले ही स्पोर्ट कोटे को बहाल करने का निर्देश यहां पर दिया था। बताया जा रहा है कि योगी सरकार पदोन्नति कोटे को खाली पदों के लिए अभियान चलाकर यहां पर भरने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 80 विभाग है जहाँ पर करीब 10,000 से अधिक पद पदोन्नति कोटे से खाली है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सबसे अधिक पद राजस्व निरीक्षक पदों के खाली है, जो पदोन्नति के लिए भरे जाने हैं। करीब 1808 पद है। इसके अलावा कार्मिक विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों को खाली पद भरने के लिए अभियान चलाने के निर्देश यहां पर दे दिए हैं। गौरतलब है कि एक लंबे समय से कई विभागों में पदोन्नति नहीं हुई, ऐसे में कई बार आंदोलन भी किए जा चुके हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो टेस्ला ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपनी कारों में किया है बड़ा बदलाव। हिंदी में भी ई कार को किया जा सकेगा कंट्रोल। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में पसंद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक कार ब्रांड टेस्ला के भारत में यहां पर लॉन्च की तैयारी की जा रही है। कंपनी ने बेंगलुरु में अपना मुख्यालय बनाया है। बताया जा रहा है कि कंपनी फैक्ट्री के लिए जगह तलाश कर रही है। वह टेस्ला की कार खरीदने की इच्छा रखने वाले भारतीय ग्राहकों के लिए अच्छी रिपोर्ट है कि कंपनी कार का कंट्रोल करने वाले यूजर्स इनका इंटरफेस हिंदी भाषा में, इसके मतलब कंट्रोल करने वाले यूजर्स इंटरफेस में हिंदी भाषा को भी यहाँ पर जोड़ रही है। वह एक ट्विटर यूजर्स ने हिंदी में यूजर्स इंटरफेस की कुछ पिक्चर पोस्ट की है। उन्होंने बताया कि UI को फिनिश और ग्रीक और क्रोशियन और रशियन भाषा में यहाँ पर कस्टमाइज किया जा सकता है। अभी ये टेस्टिंग यहाँ पर बीटा फेज में है, अगले अपडेट में इसे शुरू किया जाएगा। वही टेस्ला UI में OTI अपडेट इसमें शामिल है। इससे देश में टेस्ला कारों को लॉन्च होने से भारतीय ग्राहकों को सुविधा यहां पर बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में कई टेस्ला कारों को सड़क पर यहां पर देखा गया है। वह टेस्ला भारत में सबसे पहले मॉडल 3 को यहां पर लॉन्च कर सकती है। ये कारें कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट के तौर पर यहां पर आएगी। इनकी कीमत 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो सकती है।